मिजाज की करेंगे। हिमालय में ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और कई जगहों पर खत्म भी होते जा रहे हैं। उसी को देखते हुए पिछले कुछ साल से लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर और आइस स्तूप तैयार किए जा रहे हैं। इसकी पहल भी अब तेज हो चुकी है ताकि पर्यटकों को इसके जरिए लुभाया जा सके। साथ ही साथ सर्दियों में की जा रही पहल गर्मी के मौसम में पानी की कमी को पूरा करने के मकसद से भी ये कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे लद्दाख क्षेत्र में कई सारी जगहों पर अब आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिसंबर के महीने से ही इसकी शुरुआत होती है और दिसंबर महीने के साथ साथ जो है जनवरी और फरवरी के दौरान ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और आइस तोपा तैयार हो जाते हैं। मेरे पीछे जो ये आइस तोपा बन रहा है यहाँ लेह लद्दाख में, इसमें फिलहाल रात को जो है पानी स्प्रे किया जाता है पाइप के जरिए और रात में वो पूरी तरह से जमता है और उसके बाद धीरे धीरे जब आप 10 या 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद इसकी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको बर्फ का एक पहाड़ नजर आएगा। और अगर जनवरी के एंड में देखें तो पूरी तरह से ये एक ग्लेशियर की शक्ल ले चुका होगा। लेकिन उसमें जितना भी पानी डाला जाता है स्प्रे करके या पाइपों से लाके, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये पाइप से पानी आता है यहाँ पर, ये फ्रीज भी नहीं होती है, इतनी मोटी ये पाइप है, उससे पानी जो है वाटर के सोर्स से या नदी से जो है या चश्मे से यहाँ तक लाया जाता है और यहाँ पर इस पर स्प्रे किया जाता है और उसके बाद ही जो है ये आइस तोपा या फिर आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन जाता है। और खास तौर से इसके बड़े फायदे ये हैं कि जब खेती का काम लद्दाख में शुरू होता है, लद्दाख क्षेत्र में और करगिल क्षेत्र में अप्रैल के महीने में, तो तब किसानों को उन जगहों पर इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का पानी मिलता है जहां पर ना ही कोई नदी है ना ही कोई पानी का साधन है। आइस स्तूप से पूरी होगी ग्लेशियर की भरपाई और इस तरीके के कई स्तूप अब जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में बनाए जा रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लगातार ग्लोबल वार्मिंग का असर यहां पर भी कई इलाकों में दिखाई दे रहा है, लेकिन जुगाड़ इसका हाजिर है।